नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरा वनडे मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। 1 अगस्त को खेला जाएगा। इसी के साथ टीम इंडिया ये सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच टीम इंडिया ने जीता तो दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने जीता, और अब त्रिनाथ के जो ब्रायन लारा स्टेडियम है वहां पे सीरीज का डिसाइडर खेला जाएगा। लेकिन तीसरे मैच से पहले ही एक बुरी खबर आ रही है, और ये बुरी खबर वेदर रिपोर्ट को लेकर है, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट है, जो मौसम के बारे में जानकारी आ रही है, वो ज़्यादा अच्छी आ नहीं रही है, क्योंकि इस मैच में बारिश का खलल पड़ सकता है। अगर पिच रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, हम संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मौसम विभाग के बारे में बात करें या मौसम के बारे में बात की जाए तो 41% चांस है बारिश आने के। यही नहीं, 26% चांस तेज बारिश आने के हैं। तो अगर तेज बारिश आएगी तो आप सभी को पता है कि जो वेस्ट इंडीज के स्टेडियम है उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है नहीं, तो बारिश के कारण मैच का खलल पड़ सकता है। वहीं अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत की जाए तो देखिए, ये इस मैदान की जो पिच है वो गेंदबाजों के मददगार रहती है। इसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि एक बार भी यहां पर 200 का जो आंकड़ा है कोई भी टीम नहीं छू पाई है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। वहीं थोड़ा सा जो यहाँ पे जो मदद है वो स्पिनर्स को भी मिल सकती है। वहीं अब चलिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। अगर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, उमरान मलिक की जगह हमने शामिल किया है जयदेव उनदकट को और शार्दुल ठाकुर। अब वेस्ट इंडीज की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं तो काइली मेयर्स, ब्रेंडन किंग आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अथानास, शाई होप, हेटमायर, कैची मार्टी, रोमारी शेफर्ट, डोमिनिक ड्रेक्स, इसके बाद जो मेन खिलाड़ी है उनके सेल्स भी आएंगे, इसके बाद जो मोटी है वो भी आएंगे। तो ये थी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, और आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, पिच रिपोर्ट भी बताई, मौसम के बारे में जो टेंशन है वो भी आपको बताई। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि टीम इंडिया सीरीज जीत रही है या नहीं जीत रही है। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।